हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय मिनी ब्लॉग। और आज है मेरी मिनी ब्लॉग का फर्स्ट डे और मैं जा रही हूँ अभी इवनिंग वॉक पे, क्योंकि मेरा वेट बहुत ज़्यादा गेन हो गया है तो सोचा इवनिंग वॉक स्टार्ट कर लेती हूँ। तो आज मैं अकेली वॉक पे जा रही हूँ और मेरा फर्स्ट डे भी, क्योंकि मेरे हस्बैंड अभी तक ड्यूटी से नहीं आए तो मैं अकेली ही वॉक करने जा रही हूँ। सो मैं आपको आज का वेदर दिखाऊँ तो बहुत ही अच्छा हो रखा है। सो रास्ते में मिल गया था मुझे गन्ने का जूस, तो मैंने सोचा गन्ने का जूस पी लेती हूँ, थोड़ी रिफ़्रेश हो जाती हूँ। और गन्ने का जूस पी के मुझे इतना रिफ़्रेश फील हुआ। और महंगाई तो देखो कितनी बढ़ चुकी है, गन्ने का जूस जहाँ 10 रुपये का मिलता था यहाँ पे 30 रुपये का मिल रहा है। सो अभी मैं गन्ने का जूस इंजॉय कर रही हूँ और फिर जाती हूँ घर। और घर जाते जाते मैंने ली रास्ते से सब्जियाँ और फ्रूट, और फिर मैं सब्जी और फ्रूट लेके चल पड़ी घर की ओर। तो घर जाके देखा मेरे हस्बैंड ड्यूटी से आ चुके थे और मेरा फेस देखो कितनी स्वेटिंग हो रही है मेरे फेस पे। तो अभी फ़िलहाल मैं पहले खाना बना लेती हूँ, उसके बाद ही नहाऊंगी। गाइस रूम में आते ही मैंने पी लिया पानी, क्योंकि मुझे बहुत प्यास लगी थी तो मैं आते ही पानी पीने लग गई। और उसके बाद मैंने प्रिपरेशन की खाने की, तो सोचा आज खाने में क्या बनाऊँ, तो सोचा आज काठी रोल बना लेती हूँ। तो काठी रोल बनाने के लिए मेरे पास मैदा तो था नहीं, और मैदा वैसे खाना भी नहीं चाहिए, तो मैंने लिया गेहूँ का आटा और आटे को छान। तो आटे में मैंने डाल दिया नमक, नमक थोड़ा सा घी, तेल डाल सकते हो आप। और इसको मैंने गून दिया है और इसको आप 10 मिनट के लिए फ्री करके छोड़ सकते हो, ताकि आटा अच्छे से मैश हो जाए। और अब मैं काट रही हूँ वेजिटेबल जो मुझे काठी रोल में डालनी है। मैंने प्याज, गार्लिक, मिर्च और टमाटर, धनिया, कैप्सिकम, पनीर, बीन्स सब काट के रख दिया है। और अब मैं इसकी स्टफिंग बनाऊंगी ताकि मैं रोल में डाल सकूं। तो अभी मैंने गैस पे पैन चढ़ा दिया है और अब मैं इसमें ऑयल डालूंगी। ज़्यादा ऑयल नहीं डालना है, थोड़ा ऑयल ही डालना है। और फिर उसके बाद मैं इसमें जीरा, सारे मसाले डाल दूंगी। तो उसके बाद इसमें आप लोग डाल सकते हो मसाले, नमक। आपने आटे में भी नमक डाला तो इसमें कम नमक डालना होगा, क्योंकि ताकि ज़्यादा नमक ना हो जाए। इसमें गरम मसाले, लाल मिर्च सब कुछ डाल के अब मैंने इसकी स्टफिंग तैयार कर दी है। तो सब्जियों को हल्का ही थोड़ा सा इसका कच्चापन, मतलब इसमें कच्चापन नहीं होना चाहिए, हल्की हल्की इसको भूनना है। तो ये मैंने हल्की हल्की भून दी है और अब मैं जो मैंने आटा लगाया था उसको देखती हूँ। तो अब फ़िलहाल मैं इसको दूसरे इसमें निकाल देती हूँ, जब तक ये ठंडा होता है तब तक मैं आटे को जो फ्री करने छोड़ा था उसको देखती हूँ। और अब आटा अच्छे से गूंद गया है और इसके आप लोई बनाएं। और लोई बनाने के लिए तो ये देखिए ये ठंडा हो गया है, तो मैंने गैस पर पैन चढ़ा दिया है और मैं अब इसमें बनाऊंगी रोटी। पहले रोटी बनाओ, फिर उसको हल्का हल्का सेक लो थोड़ा सा, और उसके बाद इस पर आप घी, तेल, ऑयल जो भी आपके पास है, मैं तो घी लगा रही हूँ, घी से इसको हल्का हल्का थोड़ा ब्राउन करना है। और उसके बाद इसमें जैसे 3-4 रोटियां बना के रख दो, फिर उसके बाद उसमें मेरी रोटी बन के तैयार हो गई है। मैंने गेहूं की रोटी बनाई है, अगर आपको मैदे की बनानी है तो मैदे की ज़्यादा वाइट बनेगी, लेकिन अगर हेल्दी खाना है तो गेहूं की ही बनाओ। तो अब मैं इस पर लगा रही हूँ सॉस, आप इसमें मेयोनी भी लगा सकते हो बट मुझे मेयोनी पसंद नहीं है तो मैं सॉस ही लगा रही हूँ इस पर। तो सॉस लगा के अब मैं इसमें स्टफिंग डालूँगी। तो स्टफिंग डालने के बाद आप इसमें पनीर भी क्रश कर सकते हो, और तो मैंने इसमें पनीर क्रश किया और उसके बाद थोड़ा तावा पे इसको सेक के अपने हस्बैंड को दिया। और ख़ुद मैंने एक ही काठी रोल लिया और थोड़ा सा मतलब फ्रूट्स काटे, और दिन की राजमा बची हुई थी तो दिन की राजमा खाई। और काठी रोल खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थे। और उसके बाद मैं और मेरे हस्बैंड गए वॉक पे, और वॉक करने के बाद हम लोग आ गए थे घर पे। तो घर आके बहुत ज़्यादा गर्मी लगी थी तो मैं नहाई धोई, और अभी बजे रात के 10। सो अभी आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो मेरे ब्लॉग को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।